बिलीव मी ट्रिपल क्लैश में मजा बहुत आएगा। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो फाइनली रणबीर कपूर की मच अवेटेड वायलेंट फिल्म यानी कि एनिमल के एक पहले प्री टीजर को आज रिलीज कर दिया गया, जिसको जाकर आप टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हो, जो कि एक 50 सेकंड की क्लिप है। उसके ऊपर मेरे क्या थॉट्स हैं और साथ में आपको इस मूवी से क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखें। तो इस वीडियो को और देर ना करते हुए चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, इस प्री टीजर के अंदर आपको रणबीर कपूर का एक छोटी सी लुक देखने को मिलती है, साथ में वो आपको एक्शन करते हुए दिख रहे हैं कॉरिडोर के अंदर, जिसमें एक साइड में बहुत सारे लोग खड़े हैं, एक साइड में निकल के आते हैं रणबीर कपूर, जो वहां से एक कुल्हाड़ी निकालते हैं और उसके बाद शुरू होता है इस प्री टीजर के अंदर मौत का नंगा नाच। मतलब जिस तरीके से बैकग्राउंड के अंदर पंजाबी गाना चल रहा है, जिस तरीके से वो कुल्हाड़ी चला रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़, और जहां पे सीन कट होता है और उसके बाद भी आवाजें निकल रही हैं, मजा आया। और कमाल की बात क्या है कि ये एक प्रॉपर टीजर भी नहीं है, अभी ये सिर्फ एक ग्लिम्स है। एंड बिलीव मी, इसके अंदर इतना दम है कि वो ऑडियंस को लिटरली हाइप कर सकता था मूवी के लिए, जो इसने बहुत बहुत बखूबी से किया, जिसका क्रेडिट मुझे लगता है पूरी तरीके से दो लोगों को जाता है। पहला इसके डायरेक्टर यानी कि संदीप वांगा रेड्डी, जो कि हमको इससे पहले कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी जैसी बहुत कमाल की मूवीज दे चुके हैं। एंड बिलीव मी, उस तरीके की वॉयलेंट मूवी के बाद हम लोग उनसे कुछ इस तरीके की मूवी की एक्सपेक्टेशन ही रखते हैं, और मुझे लगता है कि वो डिलीवर होने वाला है। और दूसरे होंगे रणबीर कपूर, मतलब जिस तरीके से वो कैरेक्टर को प्ले नहीं करते हैं, कैरेक्टर को जीते हैं, मतलब जिस तरीके से उनका किसी भी रोल को पोर्ट्रे करने का तरीका, और यहाँ पर आपको उनके लुक को देख के पता लगता है कि डेफिनेटली उन्होंने बहुत मेहनत की है अपने आप को उस तरीके के इंटेंस लुक को निभाने के लिए। और इसके साथ में आपको इस मूवी के अंदर अनिल कपूर और बॉबी देओल देखने को मिलने वाले हैं। बॉबी देओल आपको नेगेटिव शेड में देखने को मिलेंगे, और इस प्री टीजर में उनके बारे में कुछ भी नहीं था, तो उनका एक लुक देखने के लिए आपको डेफिनेटली से कम एक टीजर का वेट करना पड़ेगा, जो कि बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। और ये मूवी आपको 11 अगस्त को सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। और बात करें 11 अगस्त को होने वाले क्लैश के बारे में, बिटवीन गदर 2, एनिमल एंड ओएमजी 2, बिलीव मी एनिमल तो फोड़ने वाली है। बात करें गदर 2 के बारे में, उनके पास एक अपना खुद का फैन बेस है बहुत तगड़ा, जो लगता है मेरे को काफी हद तक सिनेमाघरों में जाएगा, जो कि पुरानी ऑडियंस है जिन्होंने गदर 1 देखी है थिएटर के अंदर, वो डेफिनेटली वहां जाके उनको सपोर्ट करने वाले हैं। और बात करें ओएमजी के पार्ट नंबर 2 के बारे में, मुझे काफी हद तक ऐसा लगता है कि मेरे को पर्सनली ओएमजी जो है वो बढ़िया मूवी लगती है, काफी ज्यादा मेरी पर्सनल फेवरेट है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी भी अच्छा करे, और अक्षय कुमार का जो करियर अब तक डामाडोल हो रहा है वो एक अपने ट्रैक पे वापिस आए। और मुझे लगता है पर्सनली कि जो एनिमल का प्री टीजर है वो एकदम जबरदस्त निकल के आया है। आपको ये टीजर कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप इन तीनों में से किस मूवी को सबसे पहले देखोगे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो थोड़ा सा लाइक कर दो, और ऐसी और वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर, एंड कीप वॉचिंग सिनेमा लाइव 33।